हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखिए, इसके बैक में हम बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बनाएंगे, तो ये कंप्लीट ब्लाउज हम आपको कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताएंगे। तो देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, इस ब्लाउज़ का मेजरमेंट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यही मेजरमेंट है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूँगी एंड ये हमारा बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने कॉटन अस्तर है उसका यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम अस्तर को सीधा कर लेंगे। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ये ब्लाउज मैं यहाँ पे बैक ओपन पे तैयार करूँगी। तो इस तरह से देखिए, खुली वाली साइड है, यहाँ से मैंने इसको रख लिया है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। इसके बाद देखिए, हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, मुझे यहाँ पे तैयार लेंथ चाहिए 14 इंच, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस करके यहाँ पे 15 इंच पे एक निशान ड्रॉ कर लेना है। जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड ये हमारा ब्लाउज बैक ओपन रहेगा, तो इसके लिए देखिए आधा इंच की हमें हुकाई पट्टी के लिए जगह छोड़ देनी है। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर। तो अभी देखिए, यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारे मेजरमेंट में शोल्डर है 15 इंच, उसका आधा होगा 7.5 इंच। इसमें हम आधा इंच और कम करेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट नेक 6 इंच खुला रहेगा एंड बैक में भी बोट नेक है वो हमारा 3 इंच खुला रहेगा, तो हमें इसमें आधा इंच शोल्डर कम करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल लेंगी 7 इंच। बैक में हम बोट नेक बनाएंगे तो इसलिए हमें 7 इंच आर्म होल एंड 7 इंच ही हमें शोल्डर लेने हैं। अभी देखिए, हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा यहाँ पे है 40 इंच, इसका हमें चौथा भाग लेना है। तो चौथा भाग यहाँ पे हमारा आएगा 10 इंच। और देखिए, यहाँ पे हम 1/4 इंच की लूजिंग करेंगे। आप अगर थोड़ा सा टाइट पहनना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे आधा इंच की लूजिंग भी दे सकते हैं, तो ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लूँगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर है हमारी 32 इंच, इसका चौथा भाग हमारा यहाँ पे 8 इंच हमें लेना है। इसके बाद 1 इंच हमें बैक प्लेट्स के लिए ले लेना है एंड 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। तो अभी इन लाइन्स को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। एंड देखिए, यहाँ पे हमें आर्म होल की तरफ से 1 इंच की यहाँ पे इसमें हम गहराई करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पे इसमें हम गोलाई कर देंगे। इसके बाद अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें आधा इंच जितना शोल्डर को डाउन करना है। यहाँ से यहाँ पे हम आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए, बैक टक्स का निशान लगा लेंगे। ये निशान मैं यहाँ पे 5 इंच पे लगा रही हूँ एंड बैक टक्स की जो हाइट हम यहाँ पे रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच, और यहाँ पे एक निशान बना लेंगे। तो अभी देखिए, हमारी मार्किंग यहाँ पे हो गई है, हमने जो भी यहाँ पे निशान लगाए हैं यहाँ से इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीका मैं देखिए यहाँ पे ब्लाउज बनाने का आपको बताऊँगी, तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए, मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, अभी यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से बंद वाली साइड है, यहाँ से हमने कपड़े को रखा है और जो हमने कटिंग किया है बैक पार्ट, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। जो हमने हुकाई पट्टी के लिए जगह छोड़ी है इसको बाहर की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पे सेट करके रख लेना है, देखिए इस तरह से।
अभी देखिए मैं इसको ऊपर की तरफ से एंड आर्म होल की तरफ से एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें बार बार निशान नहीं लगाना पड़े। तो हम इसी को ऊपर रख के हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो अभी जो इसमें चेंजेस करने हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ से सेम ड्रॉ कर लिया है एंड जो कि इसकी लेंथ है इसमें हमें देखिए आधा इंच बढ़ाना है नीचे की तरफ, फ्रंट पार्ट में हमें आधा इंच बढ़ाना है और आधा इंच यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए आधा इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से, एंड देखिए यहाँ पे हमें नीचे की तरफ दो इंच बढ़ाना है इसको टक्स के लिए। एंड यहाँ से ऊपर से देखिए आर्म होल की तरफ से हमें इसको एक इंच बढ़ाना है और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैंने नीचे की तरफ से इसको आधा इंच बढ़ाया है एंड यहाँ से नीचे से मैंने दो इंच बढ़ाया है एंड यहाँ से आर्म होल की तरफ से मैंने इसको एक इंच बढ़ाया है और सिंपली इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। देखिए अभी यहाँ पे हम आर्म होल की तरफ से जो गहराई करेंगे वो करेंगे पौने एक इंच पे, क्योंकि हमने यहाँ पे शोल्डर लिए हैं 7 इंच। तो यहाँ पे देखिए हमें पौने एक इंच यहाँ पे गहराई करनी है। अगर आप यहाँ पे डीप नेक बनाते हो तो उसमें आपको आधा इंच यहाँ पे गहराई देनी होती है, लेकिन हमें बोट नेक में इसको थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है। यहाँ से पौने एक इंच यहाँ पे इसमें हम गहराई कर देंगे। तो ये निशान भी देखिए हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर लगा लेंगे ईजीली। तो अभी जो हमने निशान लगाए हैं इनको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इस ब्लाउज़ की कटिंग करना बहुत ही इजी है, तो आप इजीली इसे कटिंग कर सकते हैं। देखिए अभी देखिए यहाँ पे हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम लगाएंगे 4.25 इंच पे, 3.75। और देखिए यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए हमें बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा बस्ट पॉइंट है 11.5 इंच, 10.75 इंच। तो ये निशान लगाने के बाद देखिए हम आर्म होल की तरफ से यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशान्स को देखिए हम आगे की तरफ ऐसे ज्वाइन कर देंगे राउंड शेप देते हुए हल्के हाथ से ऐसे। और अभी देखिए हम यहाँ पे हमारे जो टक्स लगाएंगे उसके लिए निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं टक्स लगाऊंगी 2.25, 2.25 इंच के यहाँ पे टक्स लगाएंगे। एंड जो टक्स की हाइट यहाँ पे रखनी है वो रखनी है 2 इंच, यहाँ पे मैंने 2 इंच रखा है देखिए। और यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप देखिए इस तरह से दे देना है, देखिए राउंड शेप हल्का सा यहाँ से। तो ये देख सकते हैं बहुत ही ईजी है गाइज, आप इजीली इसे कर सकते हैं। एंड यहाँ से देखिए इसको आधा इंच डाउन करना है यहाँ से और इस लाइन को हमें यहाँ तक मिला देना है तिरछा, देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे नेक विड्थ इसमें रखूँगी 4.25 इंच, आप चाहो तो यहाँ पे 4 इंच भी रख सकते हो। और यहाँ पे मैं नेक डीप रखूँगी 6.5 इंच। तो देखिए मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है और नेक विड्थ मैंने रखी है 4.25 इंच। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और हमें एक ऐसे बॉक्स बना लेना है। और देखिए इसे हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पे गोलाई दे देंगे, राउंड नेक में यहाँ पे बनाऊंगी। देखिए आप चाहो तो इसमें कोई डिफरेंट डिज़ाइन है वो भी बना सकते हो, मेरे चैनल पे वो वीडियोस भी अपलोडेड है। अगर आप फ्रंट की डिज़ाइन देखना चाहते हो तो आप वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमने देखिए बैक फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, अभी हम जो बैक में डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 4.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ हम 3 इंच पे निशान लगा के एक छोटा नेक ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे बोट नेक है वो बनाएंगे। और यहाँ से हमें राउंड शेप है वो दे देंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए हमें यहाँ से एक निशान लगाएंगे, देख यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये देखिए
यहाँ से मैंने 4 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमें 2.5 इंच 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और एक निशान नीचे की तरफ भी 2.5 इंच पे लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। एंड देखिए यहाँ से नीचे से हमें 0.25 इंच पे निशान लगाना है ऐसे इस तरीके से। इसके बाद जो ये बॉक्स बना है उसमें देखिए हम ऐसे एक राउंड शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। नीचे की तरफ जैसे हमारी ड्रॉप स्टाइल होती है उस तरीके का डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे सिंपली। अभी जो हमने निशान लगाए हैं इनको हम यहाँ से कट कर लेंगे। बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन हम आपको यहाँ पे बनाना बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है एंड इसे ओपन करने के बाद देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन आएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। तो अभी देखिए इस अस्तर वाले कपड़े को हमारा जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर रख के इसको हम कट कर लेंगे। देखिए मैंने इसको यहाँ पे कट कर लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो देखिए आप चाहो तो इसमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसको पैक कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यहाँ पे देखिए जो हमारा फेविकोल है उसकी हेल्प से यहाँ पे इसको चिपकाऊंगी। देखिए तो पहले इसको साइड से पिनअप कर लेंगे यहाँ से और फिर देखिए इस अस्तर को हमें ऐसे साइड में कर लेना है। और मैंने यहाँ पे देखिए फेविकोल लिया है, इसे इस तरीके से देखिए डॉट डॉट बना लेने हैं यहाँ पे जहाँ से हमारा इसकी आउटलाइन है इसके ऊपर। इस तरीके से हल्का हल्का हमें ये फेविकोल यहाँ पे लगा लेना है। देखिए बहुत ही इजी तरीका है गाइज ये, इस तरीके से आप अपने ब्लाउज़ को बहुत ही इजी एंड बहुत ही क्विकली से बना सकते हैं। और इसको देखिए ऊपर रख के इस तरीके से हम इसको यहाँ से चिपका लेंगे। अभी जो बची हुई जगह है यहाँ पे भी हम फेविकोल लगा लेंगे और इसको भी यहाँ से पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो इसी जो हमारा काम है बहुत ही जल्दी हो जाता है एंड बहुत ही इजी हो जाता है। अभी यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे जो अदर पार्ट्स है इसको भी देखिए मैंने चिपका लिया है एंड इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी कट कर लिया है। देखिए फ्रंट पार्ट भी मैंने इस तरीके से चिपका लिए हैं। तो अभी चलिए गाइज हम आपको इसको स्टिचिंग बताते हैं एंड देखिए इसकी स्लीव्स का वीडियो मैं आपको बता देती हूँ, अलग से बनाया है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें अलग डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे पहले उसका बैक पार्ट है वो रेडी करेंगे। यहाँ पे देखिए हम जो पोटली बटन्स है वो अटैच करेंगे जहाँ पर हमारा हुक्स पट्टी आएगी वहाँ पर। तो इस तरह देखिए जहाँ पर भी आपको जिस भी साइड हुक्स लगाने हैं वहाँ पर इसमें हम पोटली बटन है वो अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली पोटली बटन है वो बना लिए हैं और इनको देखिए ब्लाउज़ की हमें राइट साइड के ऊपर रखना है और यहाँ पे अटैच कर लेना है। नीचे और ऊपर दोनों ही जगह देखिए हमें आधा आधा इंच जितनी जगह छोड़ देनी है इस तरीके से। और यहाँ पे बीच में देखिए मैंने ये लगा लिए हैं। अभी इसके ऊपर कपड़े की एक पट्टी बना के वो अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपली हम इसमें सिलाई लगा लेंगे इन बटन्स के ऊपर फिर से। तो अभी इस कपड़े को देखिए हम यहाँ पे ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे पहले। अभी इस कपड़े को देखिए नीचे की ओर फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए तो हमारे बटन्स है वो बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। तो देखिए हमारी जो हुक्स पट्टी है वो बनके रेडी हो गई है और यहाँ पे ये बटन बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसकी दूसरी वाली साइड यहाँ पे हम हाई पट्टी है वो बना लेंगे। तो नीचे से हम कपड़ा रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे एक। अभी इसको हम टू फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी दो सिलाई लगा लेंगे हम। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी हाई पट्टी है वो भी बन चुकी है। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये आएगा यहाँ पर। अभी इसमें हम बैक में जो प्लेट्स के लिए निशान लगाए थे तो यहाँ पे इसमें हम बैक प्लेट से वो लगा लेंगे।
गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने दोनों ही साइड ये बैक प्लेट से वो लगा ली है। तो अभी हम इसका जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी करेंगे। बैक एंड फ्रंट में जो नेक में पाइपिंग लगाएंगे वो दोनों में हम साथ में ही लगाएंगे। तो चलिए, पहले इसमें देखिए हमें सिंपली इसका जो ये साइड वाले पार्ट से यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। इसको यहाँ पे ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्के हाथ से पकड़ते हुए देखिए पूरे में हमें राउंड में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। अभी हम हमारा दूसरा पार्ट है ये भी ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। तो अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, हमने दोनों ही पार्ट से ज्वाइन कर लिए हैं। अभी देखिए एक सिलाई हम नेक के ऊपर लगाएंगे ताकि हमारा नेक है वो एकदम फिनिशिंग से बने, हमारा नेक बढ़े नहीं, इसलिए हमने नेक के ऊपर एक सिलाई लगा ली है। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी यहाँ से हम कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम इसके शोल्डर है वो ज्वाइन करेंगे यहाँ से। तो देखिए मैंने यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद देखिए हमें दोनों पार्ट्स को रख के देख लेना है कि हमारे बैक एंड फ्रंट दोनों बराबर है नहीं। तो देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो हल्का सा यहाँ से बड़ा दिख रहा है, तो इसको यहाँ से कट करके हमें बराबर कर लेना है इस तरीके से। देखिए तो चलिए, अभी हम इसके लिए डोरी वाली पाइपिंग है वो तैयार करेंगे। इसको तो हम साइड में करेंगे। तो देखिए मैंने इसके लिए ये कॉटन का कपड़ा है वो लिया है कॉन्ट्रास्ट में, एंड ये पाइपिंग बनाने के लिए मैंने धागा लिया है। तो पहले देखिए इसको हम उरेब में कट कर लेंगे इस तरीके से। हमें तिरछा इसको समेट लेना है और यहाँ से बीच में से हमें इसको कट कर लेना है। देखिए मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका यहाँ पर बताने वाली हूँ डोरी वाली पाइपिंग लगाने के लिए। तो देखिए हमें यहाँ पर स्केल की हेल्प से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। तो तकरीबन हमारी 1.25 इंच चौड़ी पट्टी हमें यहाँ पे कट कर लेनी है। तो मैंने देखिए यहाँ से 2-3 पट्टियाँ हैं वो निकाल लेनी है यहाँ से। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें हम जॉइंट लगा लेंगे जो हमने यहाँ पे पट्टियाँ कट करी है इनमें। तो इस तरीके से हमें तिरछा रखते हुए यहाँ पे जॉइंट लगा लेना है सिंपली। तो देखिए मैंने सब में ये जॉइंट लगा लिया है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग है वो रेडी करेंगे। तो देखिए इस डोरी को हम यहाँ पे रखेंगे 1/2 इंच जितनी साइड में जगह छोड़ते हुए इस तरीके से। और इसको देखिए यहाँ से ऐसे फोल्ड करते हुए पास में एक सिलाई लगाएंगे इस धागे की, एकदम पास में हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने पूरी पाइपिंग ने वो बना के रेडी कर ली है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से इसको फोल्ड किया है इतना सा, देखिए 1/2 इंच जितना। तो चलिए आपको अभी हम इसको नेक में अटैच करना बताते हैं। देखिए हम यहाँ पे इसमें अटैच करेंगे। पहले देखिए हम ऊपर की तरफ नेक है उसमें अटैच करेंगे और फिर जो हमने नीचे की तरफ डिज़ाइन बनाई है इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसमें हम
यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे जहाँ से हमने उकाई पट्टी बनाई है। तो देखिए हमने जो फोल्ड किया है इसको हमें नीचे की तरफ रखना है, इस पाइपिंग को देखिए ऐसे रखना है और यहाँ पे आधा इंच जितना एक्स्ट्रा छोड़ देना है हमें। यहाँ से देखिए आधा इंच जितना एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है और इस पाइपिंग को ऐसे रख लेना है और यहाँ पे आधा इंच जितना मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमें एकदम जो हमने धागा इंसर्ट करते हुए धागे के पास में लगाई है, अभी यहाँ पे फिर से यहीं पे हमें सिलाई लगानी है इस धागे के पास में ही। और इस पाइपिंग को देखिए हमें हल्के हाथ से खींचते हुए लगा लेना है, ज़्यादा भी नहीं खींचना है इसको, हल्के हाथ से खींचते हुए इस तरीके से देखिए इस धागे के पास में ही हमें सिलाई लगा लेनी है। इस पाइपिंग से जो हमारा नेक है वो बहुत फिनिशिंग के साथ बनता है गाइज, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही इजी मेथड है ये पाइपिंग लगाने का। तो देखिए इसी तरीके से हमें पूरे नेक में एक सिलाई है वो लगा लेनी है हल्के हाथ से खींचते हुए। और देखिए यहाँ पे भी हमें आधा इंच जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो छोड़ देना है। अभी देखिए इस वाले कपड़े को देखिए हमें नीचे की ओर ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से, देखिए ऐसे ऐसे फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे एक सिलाई और लगानी है, इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है तो हमारा जो कपड़ा है वो नीचे की ओर फोल्ड हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से हमें पूरे ही नेक में ये सिलाई लगा लेनी है इसको फोल्ड करते हुए। तो आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही इजी तरीका है ये, बहुत ही इजी पाइपिंग है, इस तरीके से लग जाती है और ये पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है, आप लगने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है, अभी यहाँ पे नीचे की तरफ जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से इसको कट कर लेना है। इसके बाद देखिए हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है इसको ऐसे नीचे की ओर फोल्ड करेंगे और इस पाइपिंग को देखिए ऐसे नीचे की तरफ करते हुए यहाँ पे पूरी ही नेक में हम एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा सकते हो जिससे आप तुरपाई करने के बाद वापस निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर देखिए पक्की सिलाई ही लगा रही हूँ। तो इस पाइपिंग को देखिए नीचे की तरफ करते जाना है और पूरी ही नेक में ये सिलाई हमें लगा लेनी है इसी तरीके से। तो भी देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और हमारा नेक है वो कितनी फिनिशिंग के साथ बना है आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इस तरीके से नेक बनाने का। तो अभी देखिए हम यहाँ पे भी ये पाइपिंग लगाएंगे, सेम इसी तरीके से हमें ये पाइपिंग लगा लेनी है जैसे हमने ऊपर की तरफ लगाई है। देखिए यहाँ पर भी हमें आधा इंच जितना ये पाइपिंग का कपड़ा है वो एक्स्ट्रा छोड़ देना है। पहले यहाँ पर हम इसको बराबर से करके देख लेते हैं कि ये हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इस पाइपिंग को देखिए ऐसे ऊपर रखते हुए यहाँ पे अटैच कर लेना है इसी तरीके से। तो गाइस आपको ये पाइपिंग बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा एंड आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस तरीके से नेक बनाने का। एंड यहाँ पे देखिए हम नीचे की तरफ यहाँ पे इसमें हम डोरी अटैच करेंगे, तो इस डोरी को देखिए हमें इस पाइपिंग के नीचे रखना है और यहाँ से देखिए इस पाइपिंग को हल्का घुमाते हुए यहाँ पर हमें राउंड शेप है वो इस तरीके से बना लेना है। उसको देखिए धीरे धीरे से हमें यहाँ से लगाते हुए पूरे में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अभी जहाँ पे हमारा राउंड शेप है यहाँ पे हमें हल्का सा कट लगा देना है, देखिए इस तरीके से इस पाइपिंग वाले कपड़े में छोटा सा कट लगाना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगाना यहाँ पे। वो सेम देखिए ऐसे ही इसको नीचे की ओर फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे पूरे में यहाँ पर। फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको इसमें काफ़ी यूनिक जो नेक डिज़ाइंस है वो देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और यहाँ से भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम कट कर लेंगे। तो अभी देखिए इसको हम
नीचे की ओर फोल्ड करते हुए पूरी नेक में सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ से रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा यहाँ से नेक है वो तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो सेम इसी तरीके से देखिए हमारा जो इसकी दूसरी वाली साइड है इसको भी हम पाइपिंग लगा के रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे सेम इसी तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी वाली साइड भी ये पाइपिंग अटैच कर ली है, आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर हमारी डोरी है वो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम बांध सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो बैक डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड फ्रंट नेक है वो भी हमारा रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे हम आगे की तरफ भी इसमें कमर पट्टी है वो अटैच कर लेंगे। एंड देखिए इसमें जो हम स्लीव्स का डिज़ाइन है उसका हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा फ्रेंड्स। एंड जो हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। एंड देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से स्लीव्स में डिज़ाइन बनाई है, पफ स्लीव्स का डिज़ाइन यहाँ पे मैंने तैयार किया है, तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर से देखिएगा फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज़ कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।